जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, रामकाज पूरा गंगा की बात। भूमि पूजन को लेकर देहरादून में भी उत्साह देखने को मिला, मुख्यमंत्री आवास पर दिए जलाएंगे। श्रीराम मंदिर निर्माण भूमि पूजन के अवसर पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने खुशी का इजहार किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में वन विभाग ने देश का पहला ग्रीन रामायण पार्क विकसित किया, इसमें वाल्मीकि रामायण में जिक्र किए गए पौधे हैं। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर भूमि पूजन के बाद कहा कि बरसों से टेंट में रह रहे रामलला के लिए अब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, टूटना और फिर उठकर खड़ा होना सदियों से चल रहे इस क्रम में राम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने टेलीविजन पर बेटे के हाथों हो रहे भूमि पूजन समारोह को देखा, मां हीराबेन ने शाम को दीपक जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि 5 सदी के बाद 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा हुआ। राम मंदिर भूमि पूजन को अभिनेता अक्षय कुमार ने ऐतिहासिक बताया, अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा इस साल दिवाली जल्द आ गई। न्यूयॉर्कर टाइम्स स्क्वायर भी राम के रंग में रंगा नजर आया, फेमस टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर राम मंदिर पर मॉडल और श्री राम की तस्वीर एलईडी स्क्रीन पर दिखाई गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राम मंदिर के भूमि पूजन पर ट्वीट कर कहा राम प्रेम है, वो कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का डाक टिकट भी जारी किया। अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में आग से 8 मरीजों की मौत, श्री अस्पताल में चौथी मंजिल पर लगी थी आग। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मुंबई में मस्जिद बंदर और भाईखाला रेलवे स्टेशन के बीच 2 लोकल ट्रेन पटरी पर पानी भरने की वजह से फंस गए। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से डिस्चार्ज, शिवराज सिंह 11 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर चीन ने पाकिस्तान के रुख का समर्थन करना शुरू कर दिया, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा जम्मू कश्मीर की यथास्थिति में कोई भी एक पक्षीय बदलाव अवैध और अमान्य। मुंबई में मरीन लाइन और चर्च रोड के बीच तेज हवाओं और बारिश की वजह से रेल पटरी के किनारे खड़ा एक पेड़ बिजली के तारों पर गिरा, इससे पेड़ में आग लग गई। मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगातार तेज बारिश के बाद हालात पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से बात की, प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि सरकार पूरी मदद करेगी। महाराष्ट्र में आज भारी बारिश की संभावना, मुंबई ठाणे पालघर और रत्नागिरी में तेज बारिश हो सकती है। बिहार में 16 जिलों के 66,60,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 19 हो गई। सुशांत सिंह केस की जांच कर रही ईडी ने रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया, ईडी ने रिया के सहयोगी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सच सामने आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार और सुशांत के पिता से 3 दिन में जवाब मांगा। सीबीआई को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस की जांच की अधिसूचना मिल गई है, सीबीआई जल्द ही एफआईआर दर्ज करेगी। यूएई के अजमन में एक फूड गोदाम में लगी आग, आग लगने की जगह के पास एक अस्पताल भी था, एहतियात के तौर पर अस्पताल को खाली करा दिया गया।